दोस्तों आप सभी का स्वागत है और एक नए फ्रेश और कमाल के वीडियो में। आप देख रहे हैं हैशटैग टेक्निकल गेमर हैशटैग पार्थ। मेरा नाम है पार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो है अपकमिंग स्मार्टफोन्स अप्रैल 2020 पे, जो मार्च में कुछ लॉन्चेस नहीं हुए थे वो भी अप्रैल में होंगे। फर्स्ट नंबर पर आएंगे तो आईफोन 9 एंड 9 प्लस आपको मिल जाएगा। फ़ोटोज़ आपको सेम नहीं मिलेंगे, डिफरेंस भी हो सकता है, पर जो कुछ लीक हुए हैं इमेजेस उसी में से हम ये फ़ोटोज़ आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट काफ़ी बड़ी है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्च में लॉन्च नहीं हो पाए। दूसरे में आता है 1+8 एंड 1+8 प्रो, जो कि 7T7 प्रो आपने देख लिया तो लीड विथ स्पीड 1+8 सीरीज 14 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है, मतलब होने वाला है। ये देखिए आप 1+8 और 8 प्रो आपको दिख जाएगा। स्नैपड्रैगन कॉलकॉम 865 UFS 3.0 मिल जाएगा। LPDDR5 का UPS प्रोसेसर मिल जाएगा। ऐसे कुछ कलर्स आपको मिल जाएंगे। 14 अप्रैल को ये लॉन्च होगा। अब आते हैं 3 नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा Google Pixel 4a। हालांकि Google Pixel 4 इंडिया में नहीं हुआ था लॉन्च, पर ये Google IO के दौरान लॉन्च होने वाला था, पर अब हो सकता है इंडिया में Pixel 4a। नोकिया 8.3 5.3 एंड 1.3 ये आउट ऑफ इंडिया लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया में आ सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग से ये नोकिया के फ़ोन्स इंडिया में नहीं चल पाते हैं या काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, पर ये कुछ अलग अगर लोग लेना चाहेंगे तो नोकिया ट्राई करके देख सकता है और ये फ़ोन्स इंडिया में आ सकते हैं। बढ़ेंगे ये फ्लैगशिप गेमिंग फ़ोन की तरफ। रेड मैजिक 5G गेमिंग फ़ोन आपको मिल जाएगा, जो कि 5G रहेगा। रेड मैजिक 5G 144Hz का डिस्प्ले रहेगा। एक्सपेंसिव तो होगा दोस्तों, क्योंकि फ्लैगशिप वाले स्पेसिफिकेशंस है, तो ये फ़ोन रेड मैजिक 5G गेमिंग फ़ोन एक्सपेंसिव होगा। 6 नंबर पे आएंगे तो पोको X2 प्रो और पोको F2 आ जाएगा। हालांकि दोस्तों ये आपको आउट ऑफ इंडिया रेडमी K30 और K30 प्रो में मिल गए थे, पर ये इंडिया में रेडमी से नहीं आएंगे दोस्तों, पोको में आएंगे। पोको X2 प्रो हो सकता है या पोको F2 हो सकता है, पर आउट ऑफ इंडिया आप इसे देखेंगे तो ये K30 प्रो या K30 था रेडमी का। ओप्पो फाइंड X2 और फाइंड X2 प्रो आ सकता है इंडिया में। एक ओप्पो फाइंड आया था जो कि काफ़ी अलग तरीके का फ़ोन था, इंडिया में नहीं आया था, पर ये फाइंड X2 और फाइंड X2 प्रो दो अलग अलग फ़ोन मिल जाएंगे। ये भी दोस्तों फ्लैगशिप फ़ोन है, कॉस्ट तो रहेगा पर काफ़ी अच्छा फ़ोन रहेगा। 8 पे आएंगे तो मोटोरोला एज प्लस आएगा आपको, मोटो की तरफ से एज प्लस आपको मिल जाएगा। काफ़ी ही डिफरेंट फ़ोन है एज प्लस दोस्तों। स्क्रीन देख सकते हो आप, पूरी एजेस तक स्क्रीन आ रही है, ऐसे लगता है कि पीछे भी स्क्रीन होगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप आ जाएगा फ्लैश के साथ। मोटोरोला मोटो की तरफ से आएगा। 9th नंबर पे आएंगे तो रियलमी का Narzo 10 एंड 10a, जो कि मार्च 26 को लॉन्च होने वाला था दोस्तों, पर ये कोरोना वायरस के सीन के वजह से सभी लॉन्चेस पोस्टपोन किए गए हैं। अभी तो अप्रैल में आ गए हैं, अप्रैल में अच्छा रहेगा तो अभी होंगे, नहीं तो और सामने चले जाएंगे। 10th पे आएंगे तो Xiaomi Mi 10 आपको मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल का। आउट ऑफ इंडिया ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा मी 10 में। काफ़ी अच्छा फ़ोन रहेगा, प्राइसिंग तो हायर रहेगी ही दोस्तों। 5G मिल जाएगा, इवोक चार्जिंग में आपको मिल जाएगी, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाएगा मी 10 पे 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग रहेगी, क्योंकि वो इसकी खासियत है। Redmi Note 9 11 नंबर पे है। देखिए कुछ इसके इमेजेस, ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है दोस्तों। पक्का नहीं है कि सभी फ़ोन लॉन्च होंगे ही, एक आध नहीं होगा, एक आध होगा, मतलब मैक्सिमम तो होंगे दोस्तों। अपकमिंग फ़ोन है अप्रैल के। 12th नंबर पे आएंगे तो Samsung Galaxy M41 आपको मिल जाएगा, जो कि एम सीरीज सैमसंग की अच्छी चल रही है। उसमें ए पिन होल कैमरे के साथ आपको सैमसंग की तरफ से ऑफर होगा Samsung M41, जो कि मास्टर एक्सपीरियंस सैमसंग बताता है। 13 नंबर पे आएंगे तो ये है रियलमी का 108 मेगापिक्सल का फ़ोन। नाम नहीं बता सकते दोस्तों, मतलब रियलमी 108 मेगापिक्सल का फ़ोन कौन सा भी फ्लैगशिप फ़ोन निकाल सकता है। ये X2 का वीडियो है, मुझे मालूम है X2 प्रो का फ़ोटो है, मतलब ये सैंपल के लिए है दोस्तों, पर निकाल आ सकता है 108 मेगापिक्सल का कॉम्पीट करने के लिए। 14वें नंबर पे आएंगे तो Honor 9X आपको मिल जाएगा, 9X प्रो।
ये देखिए कैसे डिज़ाइन है, पॉपअप कैमरे के साथ आपको ये मिल जाएगा। 15वें नंबर पे आएंगे तो वावे P40 एंड P40 प्रो, और इसी में आपको P40 प्लस भी मिल जाएगा। P40 में ट्रिपल कैमरा है, P40 प्रो में क्वाड कैमरा है, और P40 प्रो प्लस में दोस्तों 5 कैमरा मिल जाएंगे। पेंटा 5G सीरीज़ आपको ये मिल जाएगी। फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि सामने 2 पिन होल कैमरा है। 16वें नंबर पे आएंगे तो वीवो V19 है दोस्तों, इसमें भी आपको सामने की तरफ 2 पिन होल पंच होल कैमरा आपको इसमें मिल जाएगी। वीवो V19 परफेक्ट शॉट परफेक्ट मोमेंट। तो फिलहाल की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।